हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राजनंदनी मेटल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप वीडियो को अभी तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर राजनंदनी मेटल्स लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, बिजनेस ओवरव्यू है, कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है, उसी के साथ साथ में यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कंपनी के बारे में ब्रीफली जानेंगे। कंपनी के यहाँ पर करेंटली जो यहाँ पर मार्केट में करेंटली कंपनी के कैश फ्लोज जो है किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, यहाँ पर कंपनी की ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गई यहाँ पर किस तरह से चल रही है, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर हमें किस तरह की देखने को मिली है, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन किस तरह के नतीजे दे रही है, किस तरह का परफॉर्मेंस जो है कंपनी का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उसके ऊपर यहाँ पर हमारी बात होगी। सो चालू करते हैं। राजनंदनी मेटल लिमिटेड कंपनी के हिसाब से यहाँ पर अगर नाम से बता दो तो मेटल रिलेटेड बेस्ड जो है ये कंपनी है, बट उसी के साथ साथ में यहाँ पर ये कंपनी जो है ट्रेडिंग भी करती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, जैसे माने कि स्टील, आयन आयन अलॉयस कास्टिंग हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, फर्नेस ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसका ये काम भी करती है। यहाँ पर जो है अगर ये सेक्टर्स की बात करूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है कंपनी जो है इंक्लूड करती है अपने बिजनेस सेगमेंटेशन के अंदर, तो वो यहाँ पर निकल कर आता है रेलवे, केबल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, पावर ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस, सोलर, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मोटर के रिलेटेड जो कारोबार होता है उसके अंदर जो है यहाँ पर हमें कंपनी का जो धंधा है वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर इंडिया का आपको खुद को पता होगी मेक इन इंडिया जो यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर जो बिजनेस जो है प्रोपोगंडा जो है चल रहा है यहाँ पर उसके अंदर भी जो है अपना कंपनी जो है ये कंपनी जो है वो अपना भाग दे रही है। करंटली अगर मैं यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो 586 CR का जो है करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी का मार्केट कैप जो है देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भी यहाँ पर 44.7 और इंडस्ट्री का यहाँ पर 36 का जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इंडस्ट्री के पी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखने जाए तो थोड़ा बहुत जो है महंगा ज़रूर देखने को मिल रहा है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर मैं यहाँ पर देखें इस कंपनी के तो 25.4% के काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी यहाँ पर जो है एक तरह से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ 41%। कंपनी का डेट यहाँ पर जो है 51.4 CR का ही कंपनी का डेट है, तो यहाँ पर जो है कंपेयर टू मार्केट कैप 10% जो है यहाँ पर हमें डेट एज ऑन द टाइम फैक्ट देखने को मिल रहा है। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 21.2 पर, और बुक वैल्यू देखते हैं तो 1.25। तो अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली शेयर जो है काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। हाई प्राइस यहाँ पर 32.6 का, लो प्राइस 11.4 देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर मैं यहाँ पर इस कंपनी से कंपेयर करें 2019-20, 21 और 22 को अगर यहाँ पर देखते हैं तो 2021-22 को अगर हम देखते हैं तो 630 करोड़ के रेवेन्यू से 1000 करोड़ के जो है कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू कर लिए हैं, और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इतनी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर डेफिनेटली फोकस रहेगा कि यहाँ पर जो है कंपनी बॉटम लाइन किस तरह से जो है ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है रिएक्ट करती है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर जो सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो उसके अंदर जो है मार्जिन जो मार्जिन का जो काम होता है, मार्जिन कितना लेना क्या लेना, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर कंपनी की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी अगर यहाँ पर कंसीडर करना है तो 326 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर जब यहाँ पर कंपनी जो है सिर्फ 3 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाती है तो ये जो है थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात लगती है। दैट इज 326 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 3.18 करोड़ का प्रॉफिट, 260 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 3.59 CR, और उसके बाद 3.34, माने कि यहाँ पर जो 10-12 करोड़ का ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, और उसके ओवरऑल बेसिस पर भी देखते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम 15 करोड़ का भी जो है कंपनी का अगर यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो उसके हिसाब से भी अगर यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर करेंटली पी चल रहा है 44 का, 15 करोड़ इंटू यहाँ पर अगर हम 40 का भी अगर हम देखते हैं तो 600 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप आता है। तो अगर उस बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो है ग्रोथ और बची है, बट डेफिनेटली अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर जो 40 का पी भी यहाँ पर जो है नहीं देता है तो शेयर के अंदर यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। नाउ ऑफिसिस कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को यहाँ पर जो है पहले से देख लिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर डेफिनेटली प्रमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पर हमें मेजर जो है देखने को मिल रही है, दैट इज 73.24% की जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम है, सिर्फ 0.04%, सो काइंड ऑफ अ थिंक यहाँ पर हमें जो है उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड ऑल्सो यहाँ पर रिटेल और अदर होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो 26.72% का जो है निवेश देखने को मिल रहा है। DIA का कोई भी निवेश नहीं, और म्यूचुअल फंड हाउस का भी यहाँ पर हमें जो है निवेश देखने को नहीं मिल रहा है। कैश फ्लोज इफ वी सीज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर जो है कंपनी ने
ऑपरेशंस के थ्रू जिस तरह से कंपनी का बिजनेस हो रहा है उसके थ्रू भी जो है यहाँ पर हमें ऑपरेशंस के अंदर -5 करोड़ का जो है नंबर देखने को मिल रहा है। इफ़ वी सी कंपनीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देन ऑल्सो यहाँ पर जो जिस तरह सेगमेंट देखने मिल रहा है इज -0, यहाँ पर कोई भी आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही यहाँ पर कंपनी रेवेन्यूज इतने बड़े हो रहे हैं बट फिक्स एसेट्स परचेज की बात करो तो यहाँ पर सिर्फ जो है 1.5 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और इंटरेस्ट जो है जो थोड़ा बहुत रिसीव हुआ था सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमें माइनस में आंकड़ा देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है कंपनी ने पे किया है 3.97 सीआर का। डेफिनेटली डेट इतना बड़ा नहीं है कंपनी का बट फिर भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के यहाँ पर जो है जिस तरह से धंधा हो रहा है बहुत ही बड़े लेवल पर तो उस टाइम जो है थोड़ी बहुत जो है दिक्कत वाली बात हो सकती है। 5 साल का हाई प्राइस भी देते हो तो 1000% से भी ज़्यादा की जो है रिटर्न दे दिए है। दैट इज़ 1.65 रुपीज़ का शेयर 32.55 का हाई प्राइस और यहाँ पर करेंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 21.2 पर। सो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर जो है निवेश करना चाहिए या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि यहाँ पर मार्जिन जो है काफ़ी सारे जो है लुक्रेटिव और काफ़ी सारा जो है खराब देखने को मुझे लग रहे हैं। ट्रेडिंग का काम करती है तो मार्जिन को संभालना काफ़ी सारा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली कंपनी के यहाँ से जो रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ सकते हैं पॉसिबिलिटीज आर डेफिनेटली देयर बट ऑन द अदर साइड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी कितनी स्पीड से बढ़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पर हमें जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप यहाँ पर टेक्निकल बेसिस के हिसाब से अगर कभी लेते हो तो इट इज़ फाइन बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू बाय दिस स्टॉक दैट इज राजनंदिनी मेटल लिमिटेड कंपनी। सो होप करता हूँ कि वीडियो जो हमने बनाया चैनल से बनाया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।